नमस्कार, स्थानीय पुलिस यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील स्वामी। जब श्रीगंगानगर शहर में प्रवेश करने वाली उस सड़क के बारे में बात करेंगे जिस सड़क से आपको शहर में पधारने पर आपका स्वागत फूलों से न होकर खुले में कटते हुए बिकते मांस मछलियों से हो रहा है। आजाद टाकिस रोड पर दुकानों के आगे खुले में काट कर पतंगों की तरह टांगे हुए बेजवान जानवरों के मांस के लोटे देखे जा सकते हैं। इसी तरह ही मीट मछली की दुकानों के आगे सड़क किनारे सब्जियों की तरह मछलियों के लगे ढेर देखे जा सकते हैं। इस रोड पर मीट मछली की दुकानों के आगे यह काम सिर्फ खुले में हो रहा है, किसी भी तरह से कवर करके नहीं रखा हुआ, ना ही उनके दुकानों के आगे किसी भी प्रकार का कांच या कोई कवर किया हुआ है। पर आगे जाके एक डेंटल कॉलेज और एक स्कूल भी है। आबादी एरिया के लोगों के साथ साथ सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को खुले में लगे मास्क मछली के बंदों से रोजाना गुजरा पड़ रहा है। इन सब के बावजूद भी नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। दुकानदारों में से कितनों के पास लाइसेंस है और जिनके पास लाइसेंस है क्या वो उनके नियमों की पालना कर रहे हैं या नहीं, इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।